अहबाब ग्रामी कदर, हमें बहुत मोहब्बत है जी आले रसूल से। ये तवज्जो फरमाए मेरे नौजवान, आप कहीं भी खड़े होकर ये बात कर सकते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, नबी अलैहिस्सलाम के चचा शहीद हुए उहद में, सैयदना उस्मान शहीद हुए, सैयदना उमर शहीद हुए, सैयदना अली शहीद हुए, सैयदना हुसैन करबला में शहीद हुए। जब हजरत हुसैन शहीद हुए थे ना, आपको इलम है उनके बड़े बेटे का नाम है ज़ैनुल आबिदीन, असल उनका नाम है अली बिन हुसैन। ज़ैनुल आबिदीन करबला के मैदान में मौजूद थे और उनकी उम्र कम अज़ कम 22 साल थी। फिर वो 94 हिजरी में फौत हुए। करबला के बाद तकरीबन वो 33 या 34 साल जिंदा रहे। करबला के बाद हजरत ज़ैनुल आबिदीन कम अज़ कम 34 साल जिंदा रहे और ज़ैनुल आबिदीन के बेटे मोहम्मद बाकर रहमतुल्लाह अलैह 117 हिजरी में आपने इंतकाल फरमाया। जाएं आप इनकी सीरत पढ़ के देख लें, दुनिया की हर किताब उठा के देख लें, इनकी ज़िंदगी में सब्र तो मिलता है, मिलके बोले इनकी ज़िंदगी में हमें मातम मिलता, बोले बोले इनकी ज़िंदगी में जंजीर जनी मिलती, इनकी ज़िंदगी में हमें ये रसूम। हमें लोग कहते हैं जी आपको गमे हुसैन नहीं है, भाई हमें गम है लेकिन हमें सब्र का हुक्म है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्री वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ये जो अंदाज हमारे मुआशरे में है, जो हमारा किरदार है, भाई हजरत हुसैन के बेटों का किरदार नहीं था, ये ज़ैनुल आबिदीन का किरदार नहीं था, ये हजरत मोहम्मद बाकर रहमतुल्लाह अलैह का किरदार नहीं था, उनके बेटे जाफर सादिक का किरदार नहीं था, उनके बेटे मूसा काज़म का किरदार नहीं था, उनके बेटे अली रज़ा का ये किरदार नहीं था, उनके बेटे तकी का ये किरदार नहीं था, उनके बेटे नकी का ये किरदार नहीं था, ये औलाद फातिमा आले अली का किरदार नहीं है जो हमारे मुआशरा में है। दुनिया की किसी किताब में इन चीज़ों का सबूत नहीं है। इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूह व आल इब्राहिम व आल इमरान अलल आलमीन। ये कायनात के चुनीदा लोग थे, ये इस कदर आहो बुका करने वाले और बेसब्री करने वाले तो नहीं थे।